सबसे पहले डेल्टा फाइव की नगर न्यूज अल्फा जो जोखिला पास से होते हुए रात पहुंची जिसके तीन मिनट दक्षिण समय की रोशनी शुरू हुई है। जीओसी 14 कोर, जीओसी 8 माउंटेन डेर, कारगिल वॉर हीरोज, ऑफिसर्स, लेडीज, जेसीओस और वीर जवानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय सेना ने हर युद्ध में उत्तम रण कौशल का परिचय दिया है और जीत हासिल की है। कारगिल युद्ध में 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई की चोटियों से दुश्मन का अनऑथराइज ऑक्यूपेशन को हटाना एक अत्यंत मुश्किल काम था। फिर भी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की सेना के ऊपर जीत हासिल की और अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। इस दौरान आर्टिलरी गन्स ने प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी से हमारी असॉल्टिंग ट्रूप्स को एक्यूरेट फायर दिया और दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद किया, जिससे कि भारतीय सेना आगे बढ़ने में कामयाब रही।
इस युद्ध में तकरीबन 300 गन्स और मोटर्स ने हिस्सा लिया और लगभग 3 लाख आर्टिलरी शेल्स फायर किए गए। इस दौरान बोफोर्स गन्स का पहली बार डायरेक्ट फायरिंग में यूज किया गया, जो कि एक गेम चेंजर साबित हुआ। हम उन सभी ये हम सब गनर्स के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी 9 रेजिमेंट्स को कारगिल युद्ध में ऑनर टाइटल दिया गया और हमारे बहादुर गनर्स को 4 वीर चक्र, 3 YSM और 34 सेना मेडल प्रदान किए गए। यह अचीवमेंट कारगिल युद्ध में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शाता है। इस अवसर पर रेजिमेंट ऑफ आर्टी ने इंडियन आर्मी डेल्टा 5 मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन का आयोजित किया, जो कि अलग अलग दिशाओं से होते हुए दिल्ली में 26 जून को एकत्रित हुआ और 27 जून को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नेशनल वॉर मेमोरियल से इसे कारगिल की तरफ फ्लैग ऑफ किया। रास्ते में मोटरसाइकिल टीमें ने बहुत सारे स्टेशन विजिट किए, जहां पर हमारे वीर नारी, कारगिल वॉर हीरोज और ESM स्थित हैं, ताकि हम उनका नमन कर सकें और हमारे सैनिकों की कारगिल युद्ध में वीरता को हाईलाइट कर सकें। इस कठिन एक्सपेडिशन को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। कारगिल युद्ध एक उदाहरण है कि किस प्रकार एक प्रोफेशनल आर्मी ने प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, एक्यूरेट फायर पावर और बहादुरी के बल से दुश्मन के नापाक इरादों को विफल किया। कारगिल युद्ध की विजय गाथा इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज रहेगी। इस अवसर पर हम उन सभी वीर बहादुरों के बलिदान को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उनका बलिदान हमें और आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। अंत में एक बार फिर आज के समारोह में सम्मिलित होने के लिए मैं GOCNC नदन कमांड को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। जिला अफसर कमांडिंग 14 कोर सचिन मलिक, जिला अफसर कमांडिंग 8 माउंटेन डे, भूतपूर्व सैनिक जन, सेवारत अधिकारी और सैनिक जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा और यहां उपस्थित सभी अन्य अतिथिगण, मैं कारगिल युद्ध के मैदान के पास कारगिल वॉर मेमोरियल पर खड़ा होकर गर्व और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जहां 25 साल पहले हमारी मातृभूमि के 545 बहादुर बेटों ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन को पीछे धकेलने के लिए अपनी बहादुरी से और लड़कर प्राणों की आहुति दी है। हम उनके परिवारों के सम्मान में झुकते हैं और उन अन्य लोगों के प्रति भी आभारी है जो युद्ध में लड़ाई के दौरान घायल हुए थे। राष्ट्र इन योद्धाओं का सदैव याद करता रहेगा। ऑपरेशन विजय ने भारतीय सशस्त्र बलों के अटूट संकल्प और अदम्य साहस को प्रदर्शित किया। कारगिल संघर्ष ये जीत हमारे सैनिकों के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है और उनकी बहादुरी, दृढ़ता और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हम शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि दुश्मन की गोलियों का सामना करते समय हमारे बहादुरों ने क्या भावनाओं से झेली होंगी, लेकिन हम
निश्चित रूप से जानते हैं कि भारतीय सेना के मूल्यों के अनुरूप उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक कभी हार नहीं मानी। आज हम यहाँ भारतीय सेना मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन का अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसने लगभग 17,000 किलोमीटर की यात्रा तय की है। ये एक्सपेडिशन देश के कोने कोने से गुजरते हुए पूर्व सैनिक जन, वीर माताओं, वीर नारियों, उनके परिवारों से बातचीत की और अंत में इस मार्ग पर एकत्रित हुए हैं। अपनी यात्रा में आपने गर्व की भावना पैदा की है, युवाओं को प्रेरित किया है और हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में जागरूकता फैलाई है। मैं सभी राइडर्स को उनके साहसिक भावना के साथ लंबी दूरी तय करने और रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस एक्सपेडिशन को हीरो मोटोकॉर्प के साथ एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में दर्ज किया जा रहा है, जैसे आपने इसे कुछ समय पहले देखा था। मैं डीजीआरटी की सराहना करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की सावधानी पूर्वक योजना बनाई और कोऑर्डिनेशन किया। साथ ही मैं एक मॉर्टेंडर अन्य सभी यूनिट्स की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। आज हम इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और निश्चय करते हैं कि हम सब मिलकर आने वाली सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। जय हिंद। ये कहाँ से आया और इसका मेन मोटिव क्या था सर? जो D5 मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन का, मैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार राय, मैं D5 मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। D5 इंडिया के 3 कोनों से मूव किया था इनिशियली, पूर्व में रिंजान असम में, दक्षिण में तमिलनाडु में धनुषकोड़ी और पश्चिम में गुजरात में द्वारका। यहाँ से 3 टीमें 12 जून को शुरू किया था और एक साथ 26 जून को ये दिल्ली में पहुँची। दिल्ली में 34 टीम ऐड हुआ और वहाँ से ये 4 टीमें 2 टीमों में बढ़ गई, जो 16 और 16 राइडर थे। एक मनाली के रूट से कारगिल वॉर मेमोरियल में आज पहुँचे और दूसरा रोजिला के थ्रू कारगिल वॉर मेमोरियल में आज पहुँचे। ये D5 मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन हमारा कारगिल विजय दिवस के 25 साल होने के इसको मनाने के लिए कराया गया। इसमें हमने अलग अलग लोगों से जब टीम पूरा मूव किया था, उस समय हमने वीर नारियों, वीर माताओं से जाके मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्हें हमने भेंट दी। उसके बाद हमने जो हमारे सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं, जवान हैं, उन लोगों से मिले जो कारगिल वॉर के जो हीरो हैं, उनसे हम लोग मिले। कारगिल जितने भी वॉर मेमोरियल हैं उसमें जाके हमने अपना सम्मान प्रयोग किया। इस तरीके से करते हुए ये मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन टोटल 32 राइडरों के साथ आज यहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल में है। इस राइड को कंप्लीट करने के लिए हम लोग जो राइडर्स हैं, जिन्होंने हीरो मोटोकॉर्प का 200cc का एक्सपल्स और 440cc का मैवरिक मोटरसाइकिल को यूज़ किया था, जिसको हीरो मोटोकॉर्प ने हमें सपोर्ट किया। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हमें एन रूट पूरा कंप्लीट फ्यूल लुब्रिकेंट का हमें सपोर्ट किया और हमारा मेडिकल और एडवांस एम्बुलेंस और पैरामेडिक स्टाफ के साथ अपोलो हॉस्पिटल में शामिल किया। मेरे दाहिने आप देखेंगे और मेरे बाएं जो टीम लीडर्स हैं, इन्होंने धनुषकोड़ी से लेकर दिल्ली तक और डिंजान से लेकर दिल्ली तक और द्वारका से लेकर दिल्ली तक इन्होंने टीम लीडरों ने टीम को लीड करके लेके आए थे। इस तरीके से एक पूरा एक समूह के साथ एक मैसेज पास करता हुआ कि कारगिल वॉर क्या है, नए जनरेशन को कारगिल वॉर के बारे में बताना, उसमें शहीद हुए लोगों के बारे में बताना, उनके घर वालों के बारे में बताना, ये हमारा एक संदेश था। इस संदेश को हमने बखूबी निभाया है। ये हमारी एक पहल, हमारी सोच है जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी और इंडियन आर्मी ने किया। थैंक यू सर।
साहब, जो आज एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये जो D5 आर्मी का मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन टीम को आपने दर्ज किया है, क्या क्राइटेरिया था सर, और इस क्राइटेरिया को किस तरह इन्होंने फुलफिल किया? क्राइटेरिया देखिए, इसमें था कि आपने मैक्सिमम किलोमीटर को नापना है। 17,000 किलोमीटर इन्होंने पूरा तय किया, और हमारा काम सिर्फ ये नहीं था कि किलोमीटर ही नापने हैं बस, उसके साथ साथ हम ये देख रहे थे कि ये और चीज़ क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन क्या है इसके अंदर, क्योंकि मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन काफ़ी होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर के साथ में एक मिशन को लेकर के करना ना, वो एक अलग चीज़ बनाता है। मिशन था कि NCC कैडिटों को मोटिवेट करना इंडियन आर्मी में आने के लिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, वो लोग बहुत सारे और प्रोफेशन में भी जा रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में अच्छे अच्छे लोग आएं, फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्मी को सिलेक्ट करने का ये काम था। उसके साथ साथ वीर नारी, क्योंकि 25 साल पहले की बात है, 25 साल के बाद कोई ये सोचो कि कारगिल से जाकर के उनको कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, हमारी कोई मदद चाहिए तो हमें बताओ, तो हमने उस चीज़ को मॉनिटर किया, उस डाटा को भी मॉनिटर किया कि इन्होंने एक्चुअल में किया क्या है। और हमारा देखियो, एज ए रिकॉर्ड बुक, उस रिकॉर्ड को दर्ज करने का काम होता है, उस एविडेंस को चेक करने का काम होता है। मैं आज ऑन द स्पॉट आकर के उसको चेक किया, मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ, और अभी भी उस चीज़ को फर्दर कुछ जो कमियाँ भी रह गई हैं उसको हम लोग वेरीफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक मिशन को जो उठाया और कारगिल की इस भूमि पर आकर के इस रिकॉर्ड को दिया हमने, वो हमारे लिए भी प्राउड की बात है।